कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपने देखा कि तमाम हिंदुस्तान के शहरियों ने सहयोग किया, तमाम हिंदुस्तान की जनता ने सहयोग किया, जिस तरह से हमारे पास में खबरें आई हैं और तस्वीरें आई हैं, उसके अनुसार हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश की जनता कोरोना वायरस को लेकर बहुत गंभीर है और इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार के शाना बशाना चल रही है। हर जगह पे आपने देखा लोग घर से नहीं निकले हैं, बहुत जरूरी किसी काम से निकले हैं, अगर बाहर निकले हैं। इसी कड़ी के अंदर रामपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, रामपुर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, वो लोगों ने सड़कों पर निकल कर शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अपनी ड्यूटियाँ दी हैं। हालांकि ये जनता कर्फ्यू जो है जनता के लिए जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है, इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसको कामयाब करने के लिए सक्रिय है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त रामपुर जिला अस्पताल के गेट पर मौजूद हूँ, यहाँ पे हर वक्त कम से कम नहीं तो सैकड़ों की भीड़ रहती है, मरीजों का आवागमन रहता है, इमरजेंसी में लोग आते जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत शांति है और अननेसेसरी लोग या फालतू के लोग कहिए तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो बहुत पेशेंट हैं या किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सेवाएं हैं वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है शांति है और पुलिस व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था पूरी अपनी तरह से मुस्तैद है। रामपुर से क्राइम स्कोदन न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान आपको पूरे शहर में आपको घुमाऊंगा और 5 बजे आपको वो भी दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम इन लोगों को जो हमारे पुलिसकर्मी प्रशासनिक कर्मी जो सहयोग कर रहे हैं वो किस तरह से उनके लिए हम सैल्यूट करेंगे, किस तरह से उनके लिए तालियां बजाएंगे, किस तरह से उनके लिए हम थालियां बजाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। पकड़िए ये है नेशनल हाईवे की तस्वीर जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनसान और हुहक पड़ी हुई है यहाँ पे। इस नेशनल हाईवे पे देखिए कोई ना तो कोई गाड़ी दिखाई दे रही है, एक दुक्का कोई आदमी चलता हुआ या खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इसलिए कि 5 बज चुके हैं और 5 बजे के समय लोग बाहर निकल के कोई ताली बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता कर्फ्यू ये कामयाब हुआ है। ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी प्रधानमंत्री के आदेश को इतने सॉफ्ट तरीके से दिए गए आदेश को लोगों ने इतनी गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये आखिर जान का सवाल है, ये लोगों की प्राणों की रक्षा के लिए किया गया। इस हाईवे पे आप देख सकते हैं कि कोई वाहन नाम की चीज नहीं है, ना कोई ट्रक दिखाई दे रहा है, ना कोई बस चलती हुई दिखाई दे रही है और ना ही और किसी प्रकार की कोई ऐसी सवारी दिखाई दे रही है। एक दो चार स्कूटर मोटरसाइकिलें चल रही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जनता कर्फ्यू पूरी तरह से कामयाब है। मैं इस समय खड़ा हूँ रामपुर के सर्राफा बाजार, मेरे पीछे देखिए जामा मस्जिद भी है और ये सर्राफा बाजार है, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है 24 घंटे। यहाँ पर ये रोड कहते हैं बंद नहीं होता, रात में थोड़ा कम चलता है, लेकिन दिन में तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पर पूरे शहर के इसके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। और इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये मशहूर रामपुर की शदाब मार्केट का एरिया, ये शदाब मार्केट यहाँ पर है। इस क्षेत्र में भी जब कभी भी आपने अगर देखा होगा या यहाँ पर आए होंगे तो यहाँ पर भीड़ के कारण आपको पैदल भी निकलने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन आज कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कोरोना वायरस को लेकर के सब लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, तो रामपुर की जनता ने भी उसका अनुपालन करते हुए सब लोग अपने अपने घरों में हैं और कोई बाहर नहीं निकला, कोई मार्केट में नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जनता कर्फ्यू जनता द्वारा जो जनता के लिए लगाया गया है ये पूरी तरह कामयाब है। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ।